नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के रोलिंग मिल द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के प्रथम तीन तिमाही में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज। राउरकेला स्टील प्लांट में SMS-2 विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा नाटक सुरक्षा रो पंचरत्न का मंचन और प्रेरणा पर कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला स्टील प्लांट ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तीन तिमाही में कई प्रमुख क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। संयंत्र ने अप्रैल से दिसंबर की अवधि में उत्पादन के साथ साथ प्रेषण में कई कीर्तिमान स्थापित किए और पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की। अत्याधुनिक न्यू प्लेट मिल ने सभी समय से अधिक 656,972 टन प्लेटों का उत्पादन किया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मिल से उत्पादित प्लेट से 4.8% अधिक है। प्लेट मिल ने 379,435 टन प्लेटों का उत्पादन भी किया। इससे पहले पिछला सर्वश्रेष्ठ 365,177 टन अप्रैल से दिसंबर 2013 में हासिल किया गया था। बिक्री के लिए HR कॉयल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 852,203 टन, OBBP से उच्चतम उत्पादन 76,65,697 टन सिंटर को छोड़कर 83,07,342 टन सिंटर सहित कास्ट हाउस ग्रेनुलेटेड स्लैग 998,760 टन उक्त अवधि के अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। प्रेषण खंड में भी प्लांट ने 381,721 टन प्लेट्स भेजकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। वर्ष 2014 में 375,670 टन का पिछला सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया गया। इसी तरह स्टील प्लांट ने 645,971 टन न्यू प्लेट मिल प्लेट्स और 863,714 टन HR कॉयल को पहली तीन तिमाहियों में प्रेषित कर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 2.5%, 0.2 और 6.1% की वृद्धि दर्ज की। संयंत्र के कई विभागों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के लिए निर्धारित APP लक्ष्यों को भी पार किया। कोक ओवन विभाग ने प्रतिदिन औसतन 308.4 ओवन पुशिंग के साथ 103% APP लक्ष्य हासिल किया। इसी तरह सिंटर प्लांट 2, प्लेट मिल और CPP-1 ने अप्रैल से दिसंबर की अवधि के लिए क्रमशः 100.2%, 102.6% एवं 109.8% APP लक्ष्य हासिल किए। विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए 10 जनवरी को राउरकेला स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के कर्मचारियों द्वारा एक सुरक्षा नाटक सुरक्षा रो पंचरत्न का मंचन किया गया। कार्यपालक निदेशक वक्स श्री PK दास इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर शामिल अन्य गणमान्य व्यक्ति थे CGM स्टील श्री AK चक्रवर्ती, CGM SMS-2 श्री S माझी, CGM सुरक्षा और अग्निसेवा श्री SK आचार्य, महाप्रबंधक सेफ्टी इंजीनियरिंग श्री SC मोहंती, अन्य महाप्रबंधक गण, वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी और क्षेत्र के अनुबंध श्रमिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री दास ने इस पहल के लिए SMS-2 के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और सभी से सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करने का आग्रह किया। श्री दास ने 2020 तक हर संभव प्रयास कर एक शून्य दुर्घटना दशक बनाने पर जोर दिया। सेफ्टी सुरक्षा नाटक सुरक्षा रो पंचरत्न में सुरक्षा चक्र के 5 अलग अलग पहलुओं की सामूहिक शक्ति को स्वयंवर के माध्यम से चित्रित किया गया है, जैसे आज्ञाकारिता, कौशल, जिम्मेदारी, ज्ञान और दृष्टिकोण, जिनके सम्मिलित प्रयास से विशालकाय दानव श्री दुर्घटना को रोका जा सकता है। नाटक के एक हिस्से के रूप में दर्शकों को एक सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। नाटक का लेखन और निर्देशन श्री प्रभाकर पात्रा द्वारा किया गया, जबकि श्री प्रशांत कुमार नायक ने नाटक का समन्वय किया। कलाकार थे सुश्री शिरोमणि हजीरा होरो,
श्री पंचानन मल्लिक, श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, श्री अमूल्य बिसोई, श्री जगबंधु कुमार, श्री विभूति भूषण नाथ, श्री अशोक दास, श्री सुशांत मोहंती, श्री लाभा किशोर मिश्रा, श्री दीपक कुमार मोहंती, श्री ए चक्रवर्ती CGM। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सहायक कलाकार थे श्री प्रफुल्ल मंगल, श्री गौरांगा मल्लिक, श्री सुशांत गिरी, श्री श्रीनिवास सवाई और श्री लक्ष्मी नारायण डोरा। सुश्री सुचिता जेना समारोह की मास्टर ऑफ सेरेमनी थी। उल्लेखनीय है कि SMS 2 6 से 11 जनवरी तक विभागीय सुरक्षा सप्ताह का पालन कर रहा है और इसके तहत कई सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। HRD सेंटर में 10 एवं 11 जनवरी को प्रेरणा पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में कुल 31 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषकर प्रभावी योजना, आयोजन, संचार और निगरानी पर प्रकाश डाला गया, जो कार्मिकों को खुशी के साथ कार्य करने में सहयोग करता है। कम श्रम शक्ति के साथ कार्य करने के लिए अवधारणा के पुनरुत्थान एवं भूमिकाओं को बढ़ाने के तरीके और प्रदर्शनों पर सत्र आयोजित किया गया। अभिप्रेरण वातावरण बनाने के लिए अभिप्रेरण फिल्म द्वारा सृजनशीलता और सोच विचार पर जोर दिया गया। सिनर्जी और टीम कार्य विषय में चर्चा, क्रीड़ा और अनुभव का आदान प्रदान भी शामिल था। प्रशिक्षण की अन्य सामग्री में ऑपरेशन और रखरखाव के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिकता, बेहतर संचालन क्षमता और अनुशासन के साथ निरीक्षण को मजबूत बनाना और निरंतर लाभप्रदता शामिल थी। इसके बाद कर्मचारियों की वचनबद्धता और प्रशिक्षण की पुष्टि के लिए सिंडिकेट चर्चा और प्रस्तुतिकरण किया गया। उपप्रबंधक HRD सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।